Hello dear students, today I am here with another poem of your textbook which is Aunt Jennifer's Tigers by Edwinny Rich. So, Edwinny Rich was born in 1929 and she is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. This poem, Aunt Jennifer's Tigers, addresses the constraints of married life a woman experiences. Here, in the form of Aunt Jennifer's, the poetess wants to portray a controlled wife in this male-dominant society who wants to express her inner feelings. Aunt here is a victim of patriarchal society and a persona evolving consciousness of modern women. तो यहाँ पर जो poet हैं वो Aunt Jennifer के माध्यम से, मतलब उन्होंने एक ऐसा character लिया है इस poem में जो जो विमेन जो है वो बहुत ऑप्रेस्ड है, हु इज यू नो शी इज़ अ विक्टिम ऑफ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी का विक्टिम है वो अपनी मैरिड लाइफ में होने वाली रुकावटों से परेशान है, रिस्ट्रिक्शन से परेशान है. कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्शन, कि जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, हमारी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है. दो इट इज़ नॉट यू नो सबके लिए ये चीज़ अब तो दैट इज़ टोटली चेंज, अब सब जगह ऐसा नहीं होता है. नाउ द सिचुएशन इज चेंज, बट द टाइम शी रोड द पोएम एंड अभी भी हमारे समाज में बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर वुमेन जो है शी इज़ नॉट एबल टू रेज हर वॉइस, शी इज़ जस्ट लाइक अ यू नो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड. तो उसके हस्बैंड उसको जिस तरह से कंट्रोल करना चाहे उस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं. वो जो वुमेन है वो फ्रीडम के नाम से ही डरती है, शी फियर्स हर हस्बैंड एंड शी वॉज नॉट एबल टू यू नो टेक एनी डिसीजन, कोई भी एक डिसीजन अपने आप नहीं ले सकती. वो ता उम्र ऐसे ही विक्टिम की तरह प्ले करती है और लाइफ उसकी ख़त्म हो जाती है. सो मगर इन उसकी यहाँ पर उसी इस उसी तरह की विमेंस की, आप कह सकते हैं उसी तरह के औरतों की जो अंदरूनी इच्छा है, उनकी भी भाई कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, बट बिकॉज लैक ऑफ करेज और वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाएं, इस वजह से वो उस कॉन्स्ट्रेंट यू नो मैरिड लाइफ में जीती रहती हैं, विच इज़ रियली बैड. तो यहाँ पर उनकी आवाज़ बनकर पोएटिस आई हैं. सो विदाउट अ डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. Aunt Jennifer's tigers prance across a stream. Up here, Aunt Jennifer's tigers. The title itself, Aunt Jennifer Tiger. What does it represent? यहाँ पर Aunt Jennifer's के tigers, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि the aunt, you know, is weaving, you know, embroidering a motif. She's weaving a tapestry with a picture of, you know, tigers. In those tigers, she represents her desires, you know, her desires, her ambitions, pines for the qualities she has endowed to these tigers. मतलब वो एक tapestry बना रही हैं, मतलब एक weaving कर रही हैं जिसमें वो tigers को बुन रही हैं. और वो tigers ऐसे हैं जो freely, मतलब tigers तो वैसे भी they are the symbol of boldness, courage, they are fearless, they are confident. वो बहुत ही elegant होते हैं, उनको किसी से कोई डर नहीं होता है. वो एक लौते का यू नो दे आर द किंग ऑफ जंगल जिनको हम बोलते हैं. तो ये जो विमेन है इसकी जो पर्सनल लाइफ है दैट इज़ टोटली सप्रेस्ड, रिस्ट्रिक्ट, वो अपने बहुत रिस्ट्रिक्टेड मैरिड लाइफ से बहुत परेशान है. शी फियर्स हर हस्बैंड, मगर शी इज़ वीविंग समथिंग वेरी डिफरेंट. ये बहुत आयरॉनिकल है कि जैसी लाइफ वो जी नहीं रही है, मे बी उसकी जो डिज़ायर है, जो इनर डिज़ायर है, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट नहीं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है कहीं भी बाहर, तो शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर इनर डिज़ायर इन द टेपेस्ट्री. अब टेपेस्ट्री क्या होता है बच्चों? आपने वुडन गोल पैनल्स देखे होंगे या कोई भी टेबल क्लॉथ, जब हम जो हमारी मदर्स होती हैं या फिर आपने देखा होगा कि वो जो कढ़ाई कहते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, जो वूल से उभरी सी जो कढ़ाई बनती है उसे हम टेपेस्ट्री कहते हैं या मोटिफ कहते हैं. तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर एक टेपेस्ट्री बुन रही है पैनल में, एक कपड़े के ऊपर एक वीविंग कर रही हैं, जो उभरी सी एक वीविंग होती है जिसमें वो टाइगर्स को वीव कर रही हैं. और कैसे टाइगर्स को वीव कर रही हैं? टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन. प्रांस मतलब होता है जंप करना. स्क्रीन पैनल को बोला गया है जहाँ पर वो ये बना रही हैं. तो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो कूद रहे हैं उस स्क्रीन पे, मतलब उन टाइगर्स को कूदते हुए दिखा रही हैं. क्यों कूदते हुए दिखा रही हैं? क्योंकि टाइगर्स कहीं भी अपने मन से कहीं भी जा सकते हैं, वो फियरलेस होते हैं, उनके पास करेज होता है, द वेरी बोल्ड, वो बहुत बोल्ड होते हैं. मगर आंट जेनिफर
मतलब अनफॉर्चुनेटली आंट जेनिफर की जो खुद की पर्सनल लाइफ है दैट इज़ नॉट वेरी ब्यूटिफुल एंड हैप्पी. शी इज़ नॉट फ्री एट ऑल. शी इज़ यू नो डोमिनेटेड बाई हर हस्बैंड एवरी टाइम. तो इस वजह से वो अपनी जो इनर डिज़ायर है वो इन टाइगर्स में बना रही है. तो ये आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो रियल टाइगर्स नहीं है. लेट मी टेल यू दैट इज़ द वीव्ड वन. वो बना रही है वो टाइगर्स, वो ओरिजिनल टाइगर्स नहीं है. मगर वो इन टाइगर्स के माध्यम से शी इज़ जस्ट पाइंस यू नो दैट क्वालिटीज़. वो सारी क्वालिटीज़ दिखा रही हैं जो उनकी अंदरूनी इच्छा है. तो आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, मतलब वो जो मोटिव बना रही हैं उसमें जो टाइगर्स हैं वो कूदते हुए नजर आ रहे हैं. तो आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. ब्राइट टोपाज डिनाइजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. सो यहाँ पर ये यही कहने की कोशिश कर रही है कि जो उनके टाइगर्स हैं उनका आप डिस्क्रिप्शन दे रही हैं. उनके टाइगर्स कैसे हैं? उनके टाइगर्स बिल्कुल ब्राइट टोपाज की तरह हैं. अब ब्राइट टोपाज क्यों बोला गया? टोपाज एक होता है जेमस्टोन जो कि बहुत ही ब्राइट, आप कह सकते हो शाइनी येलो कलर का होता है, बहुत चमकदार होता है. और एज यू सी द टाइगर्स आर ऑल्सो वेरी शाइनी एंड यू नो वेरी ब्राइट येलो इन कलर्स, स्ट्राइप्स होती हैं. तो वो दोनों जो कलर्स होते हैं वो ब्लैक और आप कह सकते हो जो येलो का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट मेक्स देम इवन मोर ब्राइट, वो और उनको ब्राइट बनाता है. तो जो आंट जेनिफर की जो टेपेस्ट्री वो इतनी ब्यूटिफुल है, वो इतना अच्छा एम्ब्रॉयड कर रही हैं कि जो उनके टाइगर्स हैं पहले तो वो कूदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, फिर उनका डिस्क्रिप्शन कैसे है, वो जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो एकदम ब्राइट टोपाज की तरह लग रहे हैं, एकदम चमकदार येलो, एकदम चमचमाते हुए टोपास की तरह लग रहे हैं, जेम स्टोन की तरह लग रहे हैं. डेनाइजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. डेनाइजेंस हम कहते हैं इनहेबिटेंट्स को जो वहाँ के निवासी होते हैं. तो भाई टाइगर्स कहाँ के निवासी हैं? टाइगर्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहाँ पे आप कह सकते हो फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिम्बल ऑफ फॉरेस्ट है. तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि ये जो डेनाइजेंस हैं इनहेबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, so they are just bright in color, they're just looking like bright topaz and they are the inhabitants of forest. मतलब जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो पैनल पे कूदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो फ्री टाइगर्स, वो बोल्ड टाइगर्स, वो करेजियस टाइगर्स, वो कॉन्फिडेंट टाइगर्स, वो और कह सकते हैं फियरलेस टाइगर्स, दे आर लुकिंग लाइक ब्राइट टोपाज डेनाइजेंस. वो बहुत ब्राइट लग रहे हैं. इनहेबिटेंट्स हैं कहाँ के निवासी हैं? फॉरेस्ट के निवासी हैं. तो आई होप दीज टू लाइन्स आर क्लियर. They do not fear men beneath the tree. अब भाई हमारे समाज में, क्योंकि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी आंट जेनिफर के लिए कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो मेल से ना डरे, बिकॉज वी हैव अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. द वुमेन हैज़ टू फियर, द वुमेन हैज़ टू रिस्ट्रिक्ट हर सेल्फ इन हर लाइफ, शी हैज़ टू यू नो डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हर फैमिली एंड हस्बैंड. सो यहाँ पर वो जो टाइगर्स हैं दे आर नॉट फियरिंग एट ऑल. वो बिल्कुल भी फियर नहीं है उनको, उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है. किसका डर नहीं है? जो मैन है बीनीथ द ट्रीज, मतलब जो यहाँ पे बीनीथ का मतलब बिलो होगा, पेड़ के नीचे या उसके नीचे जो आप कह सकते हैं जो इंसान है जो उन टाइगर्स को देख रहे हैं, वो टाइगर्स तो बिल्कुल डर ही नहीं रहे उन इंसानों से. पेड़ के पास जो जो टाइगर्स हैं, वो जो इंसान है जो उनको देख रहे हैं, उससे वो टाइगर्स बिल्कुल भी नहीं डर रहे. तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज, विच इज़ एन आयरनी बिकॉज इन आर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू आंट जेनिफर दे हैज टू फियर. उनको डरना चाहिए था बट दे डू नॉट फियर. दे पेस इन स्लीक शाई वेलरिक सर्टेनिटी. दे पेस, पेस मतलब एनरूट कर रहे हैं अपने आप को, पैसेज बना रहे हैं इन स्लीक. स्लीक आप किसको कह सकते हैं? एकदम आप कह सकते हो फ्री तरीके से. स्लीक शाइवेलरिक सर्टेनिटी. अब शाइवेलरिक सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है, शाइवेलरिक मतलब होता है बहुत एलिगेंट, बहुत ही शानदार, ग्रैंड तरीके से, एलिगेंट तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से वो फॉरेस्ट में घूम रहे हैं. उनको कोई भी डर नहीं है किसी भी चीज़ से और उनको बिल्कुल भी आप कह सकते हैं ना उनके अंदर बिल्कुल भी फियरफुल नहीं है. वो एकदम शानदार तरीके से पैसेज बना के दे आर पेसिंग इन अ स्लीक शाइवेलरिक सर्टेनिटी. वो घूम रहे हैं बिल्कुल बिना डर के जहाँ उनका मन कर रहा है. दे आर जस्ट रोमिंग हेयर एंड देयर एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, फियरलेस. दे आर फायर्स, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द हंटर्स. जो आप कह सकते हैं जो वो पेड़ के नीचे जो वो लोग खड़े हैं, जो इंसान खड़े हैं, जो मेल्स हैं, उनसे वो बिल्कुल डर नहीं रहे हैं. दे आर
नॉट अफ्रेड ऑफ द हंटर्स, जो उनको हंट करने आए उनसे वो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं. दे पेस इन अ श्लीक शाइवेलरिक सर्टेनिटी, वो एकदम वहाँ पर शाइवेलरिक सर्टेनिटी के साथ, मतलब एकदम शानदार तरीके से, ग्रैंड तरीके से वो वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पर इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कोई भी डर नहीं लग रहा है. सो आई होप दिस स्टैंजा इज क्लियर. सो यहाँ पर यू नो चिल्ड्रन, इन दिस पोएम यू हैव लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. प्लीज राइट इट डाउन देर एंड देन, जैसे ही मैं बोलूँ जस्ट राइट इट डाउन. इन द वेरी फर्स्ट लाइन, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो जो ये जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैं, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बनाते हैं. तो यहाँ पे जो टाइगर्स हैं, पहले ही बता दिया गया है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, मतलब ये जो टाइगर्स हैं उनके, जो कि फियरलेस हैं. देखो, जो लोग फियरलेस होते हैं, लिविंग थिंग ही फियरलेस हो सकता है भाई. एक बुक फियरलेस नहीं हो सकती, या एक टेबल क्लॉथ पे बनी हुई एम्ब्रॉयडरी, दैट इज़ नॉट फियरलेस. सो हम ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो रिलेट किससे करते हैं? वी ऑलवेज रिलेट दोज थिंग्स टू लिविंग बींग्स. तो ये तो कोई लिविंग बींग थी नहीं भाई, ये तो एक मॉर्टल था. सो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, दे आर पर्सोनिफाइड, उनको पर्सोनिफाइड किया गया, उनको फियरलेस बताया गया, उनको बोल्ड और करेजियस बताया गया, बट दे वर नॉट द रियल वन. तो यहाँ पर प्लीज नोट इट डाउन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है. प्रांस मतलब मैंने बताया था कि प्रांस मतलब होता है, क्या होता है प्रांस मतलब? जंप करना, ठीक है. अब ब्राइट टोपाज डेनाइजेंस ऑफ वर्ड ऑफ ग्रीन. अब यहां पर देखिए, ये जो वर्ड ऑफ ग्रीन है, दैट इज अ सिंबल ऑफ फॉरेस्ट. वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट. तो यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है, यहाँ पर ये सिंबल है. उसके अलावा ये ब्राइट टोपाज जो है, ब्राइट टोपाज यहाँ पर इमेजरी है, ठीक है. ये इमेजरी है ब्राइट टोपाज, क्योंकि इमेजिन किया गया है. और जब भी आप देख रहे हैं, वाई वी यूज इमेजरी, इमेजरी वहाँ पर यूज होता है बच्चों, जहाँ पर जैसे ही आप उसको देखते हैं तो आपको एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, ठीक है. इसी वजह से वहाँ पर इमेजरी होती है. तो यहाँ पर ब्राइट टोपाज जो है, यहाँ पर इमेजरी है. राइट इट डाउन, वर्ड ऑफ ग्रीन, दैट इज वॉट? इट इज अ सिंबल फॉर फॉरेस्ट. अब यहाँ पर दे, पहले तो ये दोनों लाइन में रेपिटेशन है, बिकॉज दे एंड दे इज रिपीटेड. उसके अलावा पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर दे किससे कहा गया है, किसको बोला गया है? इट इज फॉर द टाइगर्स, एंड दोज टाइगर्स वर पर्सोनिफाइड. तो जो पर्सोनिफाइड टाइगर्स हैं उनके लिए बोला गया है. तो यहाँ पर भी हमारा पर्सोनिफिकेशन है एज वेल एज रेपिटेशन है. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. अब जो द ट्री, देखिए टी टी का रेपिटेशन है, यहाँ पर एलिट्रेशन है. जस्ट राइट इट डाउन, द ट्री, एलिट्रेशन. इसके अलावा शाइवेलरिक सर्टेनिटी, अगेन रेपिटेशन ऑफ सी. तो यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन. आई होप दिस इज क्लियर. All right. So moving on to the next stanza. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. मतलब वो भले ही she is just embroidering a motif, but her you know fingers were fluttering. Fluttering मतलब flapping. वो मतलब घबराहट से उंगली, उनकी जो उंगलियां हैं ना वो कांप रही हैं. वो भाई वो जो जिससे भी वो काट रही हैं, वो बहुत हल्की सी चीज़ है. तो जो उनका जो वूल है, जो सुई में लेकर के वो काट रही हैं, उसको काटते समय भी उनके अंदर बहुत डर है. हर फिंगर्स फ्लटरिंग, एंड व्हाई शी इज अफ्रेड? शी इज अफ्रेड बिकॉज कहीं एनी मोमेंट हर हस्बैंड विल कम एंड सी, एंड द हस्बैंड विल सी दैट शी इज वीविंग सच यू नो सच अ फ्री टाइगर, सच एलिगेंट टाइगर, सच यू नो बोल्ड टाइगर्स, कॉन्फिडेंट वन. और वो ऐसे उनके दिमाग में भी ये फ्रीडम का ख्याल कैसे आया, अगर इनके हस्बैंड ने ये देख लिया तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हर. तो शी इज रियली सप्रेस्ड. वो बहुत विक्टिमाइज हैं, शी इज़ रिस्ट्रिक्टेड. सो वो उनको उनके हस्बैंड की एब्सेंस में भी अगर वो कोई टेपेस्ट्री बना रही हैं और वो ऐसा कुछ काम कर रही हैं जिसमें आज़ाद ख्याल का जरा सा एक आप कह सकते हैं बीज भी इवॉल्व हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर हर टू बियर. उनके उनके लिए यू नो फ्रीडम के बारे में सोचना या फ्री रहना या कोई डिसीजन अपने आप लेना, दैट इज़ अ बिगेस्ट बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है वो. और ये उनके लिए अलाउड नहीं है. दैट इज वाई वेन शी इज जस्ट एम्ब्रॉयडिंग दैट मोटिव, हर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल्स. मतलब जब हम कोई काम कॉन्फिडेंटली नहीं करते हैं, डरते हैं, तो हमारे हाथ कांपते हैं. वेन वी आर नॉट एबल टू
do something confidently, our hands or our body language is not, you know, confident enough. We were not confident enough at all. हम नहीं रहते confident. तो जब भी हम कोई काम अच्छे से करना है तो उसके लिए confidence ज़रूरी है. तो शायद वो जो women है, जो aunt Jennifer हैं, उनके अंदर इतना courage नहीं है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने husband के against जाएं और अपनी इस controlled life को, you know, सुधारने की कोशिश करें. सो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग टू अ बूल्स, मतलब जो उनके हाथ हैं फ्लटर कर रहे हैं, सॉरी फिंगर्स हैं फ्लटर कर रहे हैं, मतलब वो कांप रहे हैं. फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आइवरी निडल, आइवरी होता है हाथी दांत की जो एक सुई होती है, बहुत हल्का कह सकते हैं उसका वेट होता है. सुई का वैसे भी वेट कितना होता है, इट्स हार्डली वेटेड. तो मगर बिकॉज of the overburdened life she has, because of that constrained life, because of that restricted life, she is feeling overburdened herself. That is why it is very difficult for her to, you know, pull a, you know, ivory needle. एक आइवरी नीडल उसके लिए ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने टन्स का वेट है. तो शी इज़ नॉट एबल टू, उसको चलाने में भी उसको बहुत हिम्मत लग रही है, जैसे उनको कितनी भारी चीज़ उठानी पड़ रही है. उनके जो फिंगर्स हैं पहली बार तो बहुत कांप रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं, और उन फ्लटर करने की वजह से वो जो आइवरी निडल है, वो जो सुई है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी क्रिएट कर रही हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए पुल करना, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको आगे बढ़ाना. उनके हाथ कांप रहे हैं कि कहीं उनके हस्बैंड आके उसको देख ना ले, कि वो इतने आज़ाद ख्याल के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं, दो शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग. सो यू कैन अंडरस्टैंड द, यू नो, द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अ वुमेन. वुमेन, उस वुमेन की कितनी पैथेटिक कंडीशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है बहुत सारी वुमेन्स को. हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है, एंड दैट इज रियली बैड, कि यू नो हस्बैंड, यू नो, थिंक थॉट ऑफ हैज दैट थॉट इन देयर माइंड्स दैट दे हैव, यू नो, इफ दे हैव अ वाइफ तो शी इज नो हिज प्रॉपर्टी, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई है. सो दैट इज रियली, यू नो, टेरिबल. सो उन आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं, वो हिला नहीं पा रही हैं, और इसी वजह से वो एक हल्की सी सुई को भी, वो इतनी ओवरबर्डन से उतनी डरी हुई हैं कि जब हम कोई काम चोरी से करते हैं ना तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं. तो बिकॉज वो चोरी से वो काम कर रही हैं, क्योंकि उनको वो अलाउ नहीं है करना, तो जब वो काम कर रही हैं तो वो हल्की सी सुई भी उनके लिए पता नहीं कितने किलो का भार लग रही है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड sits heavily upon the, you know, Aunt Jennifer's hand. So, जो massive weight है, massive मतलब in large amount, बहुत जो heavy weight है, किसका weight है? Uncle's wedding band. Wedding band यहाँ पर आपकी engagement ring को बोल सकते हैं, या जो wedding ring होती है उसको बोल सकते हैं, जो उन्होंने हाथ में जो ring पहनी है, जब वो अपने fingers को चला रही हैं, ivory needle को चला रही हैं, शी इज़ एबल टू सी द वेडिंग रिंग. और जितनी बार वो उस वेडिंग रिंग को देख रही हैं, वो डर के कांप जा रही हैं उस भार से. बिकॉज यू नो वेडिंग रिंग इज हियर रिफर्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दैट हर लाइफ इज नॉट हर, इट्स अ हजबेंड्स प्रॉपर्टी विच मेक्स हर नॉट टू टेक हर डिसीजन बाय हर ओन. शी इज़ नॉट एबल टू थिंक फ्रीली, शी इज ओवर बर्डन. तो जितनी बार वो फिंगर चला रही हैं और वो रिंग की तरफ उनकी हाथ पड़ रहा है, वो जो मैसिव वेट है, दो आप कह सकते हो, जो भाई रिंग का जो वेट होता है कितना सा होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है उससे हम दब जा रहे हैं, मगर उस भार से वो दबी जा रही हैं. मतलब कितना किलो, कितने टन्स किलो के पत्थर उनके सर पे रख दिए गए हैं, जिससे वो दबी जा रही हैं उस भार से. और उस जितनी बार उस रिंग को वो देख रही हैं, उनको याद आ रहा है कि माई मैरिज लाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड, मेरी शादी हो चुकी है तो मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, तो मैं इस तरह के एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती. इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं क्यों उनको वो आइवरी निडल चलाना भारी पड़ रहा है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि जो अंकल के वेडिंग बैंड का जो भार है उनकी उंगली पे, वो ताउमर के लिए पड़ गया है. क्योंकि वहाँ पर ये कह रहे हैं कि दैट वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन,
बहुत भारी तरीके से वो फिंगर के ऊपर बैठी हुई है, आंट जेनिफर्स के फिंगर के ऊपर बैठी हुई है, जिसके भार से वो इतनी दबी जा रही हैं, जिसके लिए जिससे उनको वो आइवरी निडल को पुल करना और वो काढ़ना भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आंट जेनिफर कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ जी रही है। शी इज़ लिविंग अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ एंड शी इज़ विक्टिम, शी इज़ अ विक्टिम, शी इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड, विच इज़ रियली टेरेबल। So I hope this stanza is clear. So kindly note down the figures of speech over there. There are so many figures of speech, so many poetic devices. First is fingers fluttering. Fingers fluttering, we have alliteration because we have a repetition of FF. Second, find even ivory needle hard to pull. ये पूरी लाइन में आपका एक तो कंट्रास्ट है, एक कंट्रास्ट है, दूसरा पैराडॉक्स है। दोनों ही चीज़ें हैं, कंट्रास्टिंग है, क्योंकि भाई एक आइवरी निडल का वेट जो होता है बहुत कम होता है, और अगर आइवरी निडल को बहुत मुश्किल से खींच पा रही हैं वो, मतलब इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दो कंट्रास्टिंग बात की गई हैं, इट्स वेरी इजी टू यू नो पुल अ आइवरी निडल, बट शी वॉज नॉट एबल टू पुल दैट आइवरी निडल, शी वॉज नॉट एबल टू यू नो मूव अर फिंगर्स विद दैट एंड द हैवी वेट ऑफ द आइवरी निडल, सो दैट इज अ कंट्रास्ट। तो यहाँ पर लिख लीजिए कंट्रास्ट। सेकेंड, द मैसिव वेट, द मैसिव वेट, यहाँ पर ये जो मैसिव वेट है बच्चे, यहाँ पर हाइपरबोले है, क्योंकि मैसिव वेट यहाँ पर एग्जैजरेट किया गया है वेडिंग बैंड को, इसलिए एग्जैजरेट किया गया है क्योंकि वेडिंग बैंड हार्डली 10 ग्राम, बहुत ज़्यादा भी हम लेते हैं तो 10 ग्राम 20 ग्राम होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा। सो मगर यहाँ पर मैसिव वेट, इट रेफर्स टू यू नो टन्स, ऐसा लग रहा है कितने टन का वेट है, तो जैसे द एग्जैजरेशन, तो यहाँ पर जब हम किसी चीज़ को एग्जैजरेट फॉर्म में बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको हाइपरबोले कहते हैं, तो यहाँ पर हाइपरबोले है। इसके बाद वेडिंग बैंड, यहाँ जो वेडिंग बैंड है दैट इज़ अ मेटाफर, वेडिंग बैंड एक मेटाफर है, मेटाफर किसके लिए है, उस वेडिंग रिंग को रेफर किया गया है एक बर्डन से, which becomes too heavy to break for a woman, ठीक है, it shows bondage, it shows you know restrictions which becomes too heavy for the women to break. तो wedding band is not just a wedding band, वो सिर्फ एक simple ring नहीं है, वो इस चीज़ का आप कह सकते हो symbol है, signal है कि now your you know life is totally restricted and you will not able to speak or you know feel free, you cannot think freely. तो ये बर्डन या बर्डन ऑफ मैरिज को दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पे मेटाफर है। सिट्स हेविली अपॉन, अब सिट्स हेविली अपॉन, अब भाई हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी एक्शन वर्ड्स जो हैं वो हम लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट करते हैं, मगर यहाँ पे जो वेडिंग रिंग है दैट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, सो वेडिंग रिंग बैठ कैसे सकती है, ठीक है, वी कैन वियर अ ड्रेस बट इट कैन नॉट सिट ऑन अस, सो इफ यहाँ पर जो सिट्स हेविली अपॉन, यहाँ पर हाइपरबोले है, सॉरी पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज यहाँ पे यहाँ पर इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, हाइपरबोले नहीं है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर ये जो आप कह सकते हो सिट्स हेविली अपॉन में पर्सोनिफिकेशन है। सो आई होप दिस इज क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई still ringed with ordeals she mastered by. The tigers in the panel she made will go on prancing proud and unafraid. तो यहाँ पर लास्ट में बोला गया है कि लाइक द काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट मैरिज मैरिड लाइफ शी हैज यू नो दैट इज अ विच इज अ सिंबल ऑफ यू नो बर्डन ऑफ कमिटमेंट्स यू नो बाइंडिंग्स ऑफ मैरिज लाइफ सो वट एवर इट इज शी इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड इन दैट काइंड ऑफ यू नो सराउंडिंग शी इज रिंग्ड विद दैट उस सराउंडिंग्स में वो बंधी हुई है जिससे बाहर निकलने ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हुई है कि शी कैनॉट चाह कर भी वो उससे बाहर नहीं निकल सकती है तो ये सिर्फ उसकी ज़िंदगी तक नहीं होगा जब तक वो जीवित है तब तक नहीं होगा उसके मरने के बाद भी यहाँ पर ये बोला गया है वेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई मतलब उसके मरने के बाद भी उसके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो झूठ ही बोलेंगे झूठ बोलेंगे कि उन्होंने कभी भी ऐसा मोटिव क्रिएट नहीं किया था उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो अप्री सोचेगी या वो इस तरीके की टेपेस्ट्री बना सकती है
मतलब मरते दम तक शी हैज़ टू यू नो शी हैज़ टू बर्डन हर सेल्फ विद दैट रिस्ट्रिक्शंस. मतलब हर मैरिज लाइफ, यू कैन से हर मैरिज लाइफ विद अंकल हैज़ टेकन अवे ऑल हर फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस टू लिव लाइफ द वे शी विशेज. शी वॉन्ट्स टू लिव अ फ्री लाइफ, शी वॉन्ट्स टू लिव अ यू नो करेजियस लाइफ, शी वॉन्ट्स टू बी कॉन्फिडेंट, शी वॉन्ट्स टू रेज हर वॉइस. But that kind of marriage, uncle has taken away her freedom and confidence so that she was not able to live freely. तो मरने के बाद भी जो उसके terrified hands हैं वो झूठ ही बोलेंगे, उनकी तभी भी सच बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी. क्यों हिम्मत नहीं पड़ेगी? ये शायद ये राज, क्योंकि ये जो टेपेस्ट्री वो बना रही है वो छुप के बना रही है, मतलब जो अपनी इनर डिज़ायर्स है उसको एक्सप्रेस कर रही है बट छुप के कर रही है. ये अगर अंकल देख लेंगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हर. दैट इज़ वाई शी डज नॉट वॉन्ट द अंकल टू सी दैट टेपेस्ट्री. दैट इज़ वाई द मोमेंट शी डाय शी विल नॉट टेल दिस सीक्रेट टू द अंकल. सो बिकॉज शी इज टेरिफाइड, शी फियर्स हर हस्बैंड. सो इस फियर के कारण जो उसके टेरिफाइड हैंड्स है ना, वो लाए करेंगे. लाए मतलब झूठ बोलेंगे. क्यों झूठ बोलेंगे? स्टिल रिंग विद ओडियल्स शी मे मास्टर्ड बाय, क्योंकि वो रिंग है. किससे रिंग है? ओडियल से. हमारे सामाजिक, आप कह सकते हो, चक्रव्यूह में फंसी हुई है. उन ओडियल्स ने उनको मास्टर्ड किया है. ठीक है, दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक फ्रीली, या आप कह सकते हैं कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि वो रिंग्ड है. वो मास्टर की जाती है किसके द्वारा? अपने हस्बैंड के द्वारा. उसकी सारी जो डिज़ायर्स हैं वो उसने सप्रेस्ड कर रखी हैं अपने आप में दबा के रखी हैं. शी हैज़ अ ऑप्रेस्ड लाइफ, तो उसने वो सारी चीज़ें दबा के रखी हैं बिकॉज शी इज़ रिंग्ड. वो उस रिंग ने, जो वेडिंग बैंड है, जो शादी का एक जो फंदा जो उसके गले में पड़ा हुआ है ना, उसने उसको पूरी तरीके से बांध के रखा है, सराउंड करके रखा है अपने मास्टर से. क्योंकि उसका मास्टर टोटली, उसका मास्टर जो हुआ यहाँ पर वो उसका हस्बैंड हुआ, जो उसको टोटली उसको सराउंड करके रखता है. सो आफ्टर हर डेथ द मार्क ऑफ द वेडिंग रिंग विल कंटिन्यू टू शो हर सैड बर्डन्ड लाइफ बिकॉज दैट रिंग इज स्टिल इन हर फिंगर्स. सो व्हेन शी इज डेड देन ऑल्सो दैट रिंग विल बी देयर इन हर फिंगर्स विच विल शो हर सैडनेस एंड हर बर्डन्ड लाइफ. शी इज मॉर्टल. जब मॉर्टल है तो भी वो फियरफुल है, एंड जब वो मर जाएगी तो भी वो फियरफुल रहेगी. सो आप यू कैन कह सकते हैं शी इज मॉर्टल वेयर एज द एम्ब्रॉयडरी ऑफ टाइगर्स शी हैज मेड इज इमॉर्टल. मतलब जो इसके जो इसने आप कह सकते हैं इसकी लाइफ तो खत्म हो जाएगी. जो आंट है वो मर जाएगी, डरते डरते जी और डरते डरते ही मर जाएगी. बट द टाइगर्स इन द पैनल शी मेड, मतलब जो एम्ब्रॉयडरी उसने बनाई है, जो मोटिव उसने क्रिएट किया है, जो टाइगर्स की पिक्चर उसने बनाई है, कूदते हुए फ्री टाइगर्स की पिक्चर जो उसने बनाई है, वो ता उम्र इमॉर्टल रहेंगे. विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. वो हमेशा अनअफ्रेड, मतलब बिना डरे हुए वो घूमते रहेंगे. उनको किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा. सो द एम्ब्रॉयडरी शी हैज मेड दैट इज इमॉर्टल व्हाइल शी इज मॉर्टल. मतलब इसके मरने के बाद भी जो इसके बनाए हुए, मतलब जो इसकी इच्छाएं हैं, वो हमेशा इस पैनल में दिखाई पड़ेंगी. सो दिस इज़ अ रियली टेरेबल पोएम, आई डोंट नो. सो आई एम रियली टच्ड विद दैट पोएम. बट हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो ऐसे, आप कह सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, जो ऐसे विक्टिम प्ले करती हैं. एंड शी दे आर टोटली सराउंडेड बाई यू नो ओडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई. तो इन ओडियल से वो रिंग्ड रहती हैं, जिसकी वजह से वो सोच भी नहीं सकती हैं फ्री डिसीजंस लेने का. हो सकता है वो बहुत टैलेंटेड हो, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकती हूँ, मगर बिकॉज ऑफ द सप्रेस्ड लाइफ, बिकॉज ऑफ द ऑप्रेस्ड लाइफ, बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रेंड मैरिड लाइफ, शी वॉज नॉट एबल टू. कोई भी जो वुमेन है वो अपने आप को यू नो फ्रीली एक्सप्लोर नहीं कर सकती है अपनी क्वालिटीज को, या अपने आप को वो उनके लिए खुलकर सोचना ही पाप होता है. तो यहाँ पर पोएटस ने एक यू नो एक माध्यम से आंट जेनिफर को इस तरीके से प्रेजेंट किया है, एक कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है इस पोएम में, जो उस मेल डोमिनेंट सोसाइटी को नो कह सकते हैं पायनियर करता है, और बताता है कि एक जो विमेन होती है वाकई में कितने सारे हर्डल से गुजरती है, एक जो मैरिड लाइफ है वो उसके लिए कितना बड़ा हर्डल है. सो नाउ कम टू द poetic devices. Terrified hands,
यहाँ पर ट्रांसफर्ड एफिथेट है, ट्रांसफर्ड एफिथेट, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एफिथेट क्यों है, क्योंकि हैंड्स टेरिफाइड नहीं है, शी इज एज अ बींग टेरिफाइड, वो पूरी ही टेरिफाइड है, यहाँ पे बताया जा रहा है उंगलियाँ टेरिफाइड नहीं होती हैं, उंगलियाँ क्यों टेरिफाइड है, क्योंकि उसके दिल के अंदर वो दर्द है, शी एज अ पर्सन एज अ बींग शी इज टेरिफाइड, दैट इज वाई यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है. रिंग्ड, रिंग्ड में यू हैव फिगर ऑफ स्पीच द पोएटिक डिवाइस पन, पन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रिंग के दो मतलब हैं, पहला मतलब क्या है, पहला तो एक वेडिंग रिंग है और दूसरा सराउंडेड या ट्रैप्ड कह सकते हैं, तो इट हैज़ टू मीनिंग्स, जो दो डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं. रिंग एक सिंपल वेडिंग रिंग है जो शादी में पहनाई जाती है या एंगेजमेंट की जाती है जिससे, और उसकी जो लाइफ है वो रिंग्ड है, किससे रिंग्ड है, जो ऑडियल्स बनाए गए हैं, जो उसके लिए जो चीज़ें बनाई गई कि उसको यही 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 करना है, जो जिस तरह से वो अब मेल डोमिनेंट सोसाइटी को फेस कर रही है, तो वो टोटली चक्रव्यूह में फंसी हुई, शी सराउंडेड, शी इज ट्रैप्ड इन दैट वेडिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर्स टू मूव आउट, जो कि बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए मूव आउट कर पाना. उसके बाद में लास्ट लाइन पे आ जाइए, प्रांसिंग प्राउड, यहाँ पे प्रांसिंग प्राउड में एलिटरेशन है. सो आई होप दिस पोम इज क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट, and you can tell me which lesson you want me to explain and what kahan par aapko zyada dikkat hoti hai, please do comment, please watch the video and usko dhyan se suniye, so you'll understand everything I have explained you very nicely, I have given you a detailed explanation with all the poetic devices, so please watch this, study and do well, thank you.